23 का अभी मैं एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, उसमें भी काफी ट्रक में रेस किया गया था, लेकिन इस साल का 2024 जनवरी से लेके आज तक का डेट में 30 केसेस एनडीपीएस के अंदर में रजिस्टर हुआ है, और 77 जो ड्रग पेडलर एडिक्ट अभी तक अरेस्ट किया गया है, और अभी भी ऑपरेशन डाउन चल रहा है और भी आगे भी कार्रवाई होगा। हमें तेरे लोग से ये फील करना चाहता हूँ कि स्पेशली यूथ जो कॉलेज स्टूडेंट या जो हाई सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स हैं, उसका ऊपर में थोड़ा सा नजर रखें। सभी पेरेंट्स गलत नहीं है, सब अपना बच्चा को ध्यान रखते हैं, लेकिन बच्चा कई बार पिताजी माँ पिताजी को नहीं पता कि इधर उधर चला जाता है, और फिर गलत संग गलत दोस्त के साथ फंस जाता है, उससे फिर वो इन्फ्लुएंस हो जाता है, ड्रग खाता है। तो उनका टाइमिंग, स्कूल कब छुट्टी होता है, कब कितना बजे आता है, वो थोड़ा सा मॉनिटरिंग करना जरूरी है, ये सबको करना है। अगर कुछ अगर गलत हो रहा है तो पुलिस को बताना बहुत जरूरी है। कई चीजें होते हैं कि जो अपना से देख लेता है, लेकिन जितना जल्द हो सके पुलिस को इंटीमेशन देना चाहिए, और खास तौर पे जो इस तरह के जो ड्रग वाला मैटर में कई बार जो ड्रग जो एब्यूज होने के खाने का बाद वायलेंट भी हो जाता है, तो पुलिस को इंटीमेशन इमीडिएटली दे और पुलिस को कार्रवाई करने दे जो भी गलत हो रहा है। सर अभी एक मतलब बहुत ही रिपोर्ट हो रहा है कि दुकान के बाहर से या दुकान में घुस के कुछ सामान मांगने के बाद ना सामान निकलवाते हैं, उसके बाद पूरा सामान लेके भाग जाते हैं। तो उसका ऊपर तक क्या कुछ अरेस्ट हुआ है, कुछ है उसका असर निकल हो गया? एक इंसिडेंट हुआ था यहाँ पे नाहरलगुन पुलिस स्टेशन का अंदर में, कि कुछ सामान ले रहे थे और फिर सामान दिया है अंदर से, और बाहर से क्यूआर कोड को स्कैन करने का बहाना में उसमें दो आदमी गए थे, तो सामान को लेके क्यूआर कोड में स्कैन पेमेंट नहीं करके भाग गया, तो पुलिस कंप्लेन आया, पुलिस केस रजिस्टर किया है और दोनों एक्यूज को अरेस्ट किया है। अच्छा, तो सर ऐसा कुछ केसेस और कहीं पर ऐसे रिपोर्ट नहीं हुआ ना सर आप लोगों? अभी जो रिपोर्ट किया था उसको केस रजिस्टर किया, और अभी तक और इस तरह का केस नहीं है, लेकिन ये मोडस ऑपरेंडी एक है कि जो दुकान से इस तरह का सामान लेकर के भाग जाते हैं, तो दुकानदार से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि थोड़ा सतर्क रहे इस तरह का, और कोई डाउटफुल वाला कैरेक्टर आ जाता है तो थोड़ा सा और केयरफुल रहना, और खासतौर पर ये लिक्विड अल्कोहल इस तरह का थोड़ा सा ज्यादा लेता है, बाकी सामान के लिए जो जो नॉर्मल जो छापल पानी जो खरीदता है वो लोग इस तरह का गलत काम नहीं करते हैं। जो दारू पीता है वो लोग बदमाशी करते हैं, दारू वो भी कॉस्टली वाला आइटम मांगते हैं, कॉस्टली वाला लिक्वर्स मांगते हैं, फिर उसको लेके वो लोग भागने की कोशिश करते हैं, उस चीज में थोड़ा सा टाइम लगता है। सर आपका तरफ से यूथ को एक क्या मैसेज और एक सजेशन देगा सर, ये जो सीनियर सर आपके तरफ से? सारा यूथ को मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे, खेलकूद में ध्यान दीजिए, रात को ज्यादा ना घूमे, और अभी यूथ का समय में अब पढ़ाई वढ़ाई में अगर ध्यान नहीं देगा तो फ्यूचर में तो फिर तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अच्छा वो सर्विस नौकरी नहीं मिलेगा, अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए यूथ एज ऐसा एज है जो अपना लाइफ का प्रिपरेशन स्टेज है, जो आने वाला ईयर्स जो 50-60 ईयर्स जो बचा हुआ है उसके लिए अभी यूथ समय में प्रिपेयर करना है, बी इट इन स्पोर्ट्स और इन द स्टडीज, जो भी है उसका चॉइस है उसमें अच्छे से प्रिपेयर करके ध्यान दे के अपने करियर को बनाए और लाइफ को एंजॉय करें। तो कुछ यूथ होता है कि जो इस एज में इधर उधर ज्यादा घूमता है, फिर बाद में उसका पढ़ाई प्रॉब्लम हो जाता है, फिर ना स्पोर्ट्स में एक्टिव रहता है, तो वो प्रॉब्लम रहेगा फ्यूचर में। आजकल देखा गया सर बहुत सारे लड़का लोग बिना हेलमेट का ही गाड़ी चलाता है, और आप लोग उनको रुकाता है या मतलब जो भी ट्रैफिक पुलिस लोग रुकाता है तो उल्टा सर उन लोग कुछ कुछ आर्गुमेंट हो जाता है। तो सर आपका तरफ से उनको क्या रहेगा कि आप लोग जब भी ड्राइविंग करते हैं केसेस भी बहुत ज्यादा आता है, बाइक फेल का केसेस बहुत ज्यादा आता है, तो सर उस पर आप उनको क्या रहेगा कि आप लोग जब भी गाड़ी चलाते हैं एटलीस्ट हेलमेट ये सब चला चलाए पहले चलाए? Yes, जो टू व्हीलर जो राइडर है तो दोनों राइडर और पिलियन दोनों हेलमेट पहनना चाहिए, ये सिर्फ पुलिस को दिखाने के लिए और ट्रैफिक पुलिस को दिखाने के लिए, चालान से बचने के लिए नहीं, अपना सेफ्टी के लिए है, क्योंकि रास्ता अच्छा होने से सब यहाँ पे ड्राइविंग रैश निग्लिजेंस का केसेस बहुत सारा आ जाता है, कई बार खुद अच्छा ड्राइव कर लेते हैं, खुद कॉन्फिडेंट है कि हम गलती नहीं करेंगे, अच्छे से ड्राइव करेंगे, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन से कोई स्पीड से निगलिजेंटली चला के आ जाते हैं और जो अच्छा चले उसको डिस्टर्ब कर देते हैं, फिर वो दोनों एक्सीडेंट हो जाता है। तो ये नहीं मानना है कि हम ड्राइविंग आता है, हम अच्छा एक्सपर्ट है, मुझे कुछ नहीं होगा, हम बिना प्रिकॉशन का बिना हेलमेट का जाएगा, वो गलत होगा। जो फोर व्हीलर है सीट बेल्ट बांधे, और जो टू व्हीलर राइडर है दोनों हेलमेट पहने, उसके बाद ड्राइविंग कर रहे हैं सेफली।